हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सद, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डानो की, जो बाजिल हार्ड फोक आने वाली है 22 सितंबर 2022 को। तो इसमें क्या चीजें जो है अपग्रेड होने वाली हैं कार्डानो की, और क्या कार्डानो के प्राइस में हमें पंप देखने को मिल सकता है, और कितना पंप देखने को मिल सकता है, क्या इसको अभी आपको बाय करना चाहिए, और कब इसमें से जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं हम हार्ड फोक में जो अपग्रेड होने वाले हैं उससे हमें जो है क्या क्या फायदा होने वाला है, उससे जो है जो कार्डानो है, जो एडा है, इसकी जो कम्युनिटी को है वो क्या फायदा होने वाला है। तो अगर हम देखें, द हार्ड फोक कैन चेंज ट्रांजैक्शन फीस और माइनिंग रिवॉर्ड्स। इससे जो है ट्रांजैक्शन फीस और जो माइनिंग रिवॉर्ड्स है वो चेंज होंगे, यानी कि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम हो जाएगी और माइनिंग रिवॉर्ड्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। इन एडिशन टू द स्पीड एंड स्केल एट व्हिच द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस आर वैलिडेटेड, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू फिक्स सिक्योरिटी लूप होल्स इन इट्स प्रोटोकॉल। तो अगर इनके प्रोटोकॉल में जो सिक्योरिटी लूप होल्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे अपग्रेडेशन मिलेगा, वो भी दूर होंगे, और उसके साथ साथ माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसके साथ जो ट्रांजेक्शन फीस है वो यहाँ पे जो है वो कम होगी। और इनकी जो यहाँ पे को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सबसे मेन जो इसमें रीजन है वो ये है कि इनकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले जिस लैंग्वेज में लिखे जाते थे, अब उसमें नहीं, बल्कि ये जो है अपग्रेड होगा। तो यहाँ पे 22 सितंबर को जो है ये बाजल हार्ड फोक होने वाली है। तो अगर हम करंट प्राइस की बात करें कार्डानो की, करंट प्राइस 0.4758 डॉलर्स, यानी 47 सेंट्स अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है कार्डानो का। और अगर हम रैंक की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसका 8th रैंक चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है कार्डानो, बहुत जबरदस्त रिटर्न्स भी देगा और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि इसमें इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका प्राइस अगर मैक्सिमम लेके चले तो $1 तक जा सकता है, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि प्राइस जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं लगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 60 सेंट भी जो है इसका प्राइस क्रॉस ना कर पाए। एक तो उसका रीजन है यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा डंप है, किसी के पास पैसे नहीं है अभी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और नए इन्वेस्टर जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आ रहे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन आपने देखा होगा, यहाँ पे इथेरियम जब मर्ज हुआ, इथेरियम मर्ज होने के बाद हमें प्राइस में कोई इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। एक्सपेक्टेशन थी कि इसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जो अभी आप देख रहे हो इसका प्राइस जो है और ज्यादा कम हो चुका है। 1431 डॉलर जो है अभी करंट प्राइस चल रहा है इथेरियम का। तो कार्डानो का अगर आप प्राइस यहाँ पे देखें, तो अगर आप 20 से 30% तक अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि इससे पहले जो हार्ड फॉक्स हुई है कार्डानो को लेके, वो जो है बुलिश मार्केट्स में हुई है, और बुलिश मार्केट्स में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 100% से लेके 500% तक का प्रॉफिट दिया है। लेकिन अभी जो है मार्केट बेरिश है, जिसकी वजह से आपको जो है सावधान रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना कि इसका प्राइस $2, $5, $10 चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस हार्ड फोक से जेन्युइनली इसके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, अपग्रेडेशन तो बहुत अच्छी होगी इसके प्रोजेक्ट में, लेकिन यहाँ पे जो है इनकी ब्लॉकचेन में बहुत अच्छा अपग्रेडेशन होगा। लेकिन इसमें वजह क्या है कि अभी मार्केट बेरिश है और नए इन्वेस्टर्स जो है मार्केट के अंदर है नहीं, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी लॉस में चल रहे हैं। तो अगर किसी को दोबारा से कार्डानो बाय करना है, बाइंग के लिए प्राइस अगर ऊपर जाएगा, नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे कोई नए लोग इसको बाय करेंगे तभी इसका प्राइस ऊपर बढ़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे अगर कोई ओल्ड इन्वेस्टर्स जो हैं वो अगर इसको बाय करना चाहते हैं, तो उनको किसी और क्रिप्टो करेंसी को लॉस में सेल करके कार्डानो में शिफ्ट करना होगा। तो ऐसा तो कोई अभी करेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इन टेक्निकल चीजों को देखें, इन रियलिस्टिक चीजों को देखें, तो यहाँ पे इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट इससे पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई ज्यादा पंप आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल $1 से इसका प्राइस ऊपर चला भी जाता है, यहाँ पे हम एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं, अगर $1 से प्राइस ऊपर चला भी जाता है तो प्राइस दोबारा से डंप भी होगा, कहीं लालच में आके, अगर कोई मान लो कोई बड़ी वेल इसको पंप करने की कोशिश भी करती है, तो कहीं लालच में आके इसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट मत कर देना, और ये ऐसा मत करना कि टॉप पे जाके यहाँ पे बाय कर लेना, जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पे लूना के अंदर 300-400% का पंप आया और लोगों ने जो है यहाँ पे लूना को जाके टॉप पे बाय कर लिया, और अभी जो है वो बोल रहे हैं कि हम फंस चुके हैं,
हमारे फंड जो है वहां पे फंस चुके हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, और कार्डानो जो है लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को जरूर ब्रेक करेगा। यहाँ पे 3.1 डॉलर्स का इसका ऑल टाइम हाई है, 3 डॉलर 10 सेंट का जो है इसका ऑल टाइम हाई है जो इसने यहाँ पे एक साल पहले बनाया था, सितंबर 2, 2021 को जो है इसने 3.1 डॉलर्स को टच किया था, और अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन ये 84% डाउन है। और ऑल टाइम लो की अगर हम बात करें तो 0.01735 डॉलर्स, यानी कि 0.017 डॉलर्स जो है इसने यहाँ पे ऑल टाइम लो बनाया था 5 साल पहले, अक्टूबर 1, 2017 को जो है इसने अपना ऑल टाइम लो बनाया था, और 2646% ये अपने ऑल टाइम लो से ऊपर चल रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 2098% जो है इसने दिए हैं। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर कार्डानो को होल्ड करना चाहते हो तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे इतना बेनिफिट जो है इसका अभी देखने को नहीं मिल रहा, अगर हम जेन्युइन बात करें, अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो। ओवर हाइप्ड बात करने से क्या होगा, आप लोग इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करोगे और आपका यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो बहुत जल्द इन कम टाइम फ्रेम में जो है इसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स मिलेंगी। तो अगर आप क्रिप्टो के रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हो, टच में रहना चाहते हो, कौन सी नई अपडेट्स आ रही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये सीखना चाहते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, उसके साथ साथ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कहाँ पे नहीं करनी चाहिए ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो आप क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है क्रिप्टो के रिलेटेड या फिर कार्डानो के रिलेटेड, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सदा, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।